Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. In this video I am going to review this lotion from Vaseline. So it's called intensive care, इसके ऊपर लिखा हुआ है for healthy hands and stronger nails. तो packaging आपके सामने, it's a pink colored bottle, काफ़ी क्यूट सी packaging है इसकी. तो वैसलीन के वैसे काफ़ी सारे लोशंस आते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंट वैसलीन के जो लोशंस हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ये वैसलीन के सारे लोशंस के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी. बैक साइड पे कुछ डायरेक्शंस वगैरह मेंशन है. अच्छा, ये इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि इट्स फॉर हैंड्स एंड नेल्स, तो इसके ऊपर फेस का मेंशन नहीं किया गया. बट इसका काफ़ी लाइट वेट सा फार्मूला है, तो जिन लोगों की स्किन एक्सट्रीमली ऑयली होती है स्पेशली समर्स के अंदर, तो वो इसको अपने फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग मेकअप, क्योंकि काफ़ी अच्छा मेकअप जो है इससे सेट हो जाता है और ये ग्रीजी फील नहीं होता बिल्कुल भी. तो मैं थोड़ा सा लेके आपको दिखा देती हूँ. इसका जो फार्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो जिन लोगों के हैंड्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो आई गेस कि उनके लिए ये इतना सही काम नहीं करेगा. अदरवाइज़ आपको ये बार बार अप्लाई करना पड़ेगा. या एक तरीका ये हो सकता है कि जब भी आप हैंड वॉश करें तो आपके हाथ जब थोड़े से गीले हों, मतलब डैम्प स्टेज में हों, तो आप अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लें, क्योंकि जब आप गीले हाथों का मॉइस्चराइज़ करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक मॉइस्चराइज रहते हैं. तो ड्राई स्किन वालों के लिए ये नहीं है डेफ़िनेटली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट सा फार्मूला है. बट जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है उनके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि इसका काफ़ी लाइट वेट सा फार्मूला है. तो समर्स में आप इसे ट्राई कर सकते हो. जैसे अक्सर हाथ भी हमारे ग्रीजी हो चुके होते हैं समर्स में, पसीना वगैरह आता है, स्वेटिंग होती है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. और जिन लोगों का फेस सेंसिटिव नहीं है, मतलब एक्नी प्रोन स्किन नहीं है, तो वो इसको फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं. बाकी जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, स्पेशली जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, उनको मैं ये फेस के लिए रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगी बिकॉज इसमें फ्रेग्रेंस है, प्लस इसमें लिखा भी नहीं हुआ फेस का, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन नहीं है वो इसे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं. अफोर्डेबल ऑप्शन है, लोकली अवेलेबल है, इजीली आपको मिल जाएगा कहीं से भी. उसके अलावा वैसलीन में काफ़ी सारे और भी वेरिएंट्स आते हैं, एक ग्रीन कलर का भी आता है, ब्राउन में भी आता है, तो मैं वो सब भी जो है लेके तो उनका रिव्यू आप लोगों से शेयर कर दूँगी, उनको साइड बाय साइड कंपेयर भी कर दूँगी, सो डैट कि आप लोग डिसाइड कर लें कि आप लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है. बाकी इसके ऊपर उन्होंने जो ये क्लेम दिया हुआ है कि इससे आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसको यूज़ करके आपके हाथ बहुत ज़्यादा वाइटन अप हो जाएंगे या ब्राइट हो जाएंगे. हाँ, ये है कि अगर आप, मैंने जैसे आपको बताया, हैंड वॉश करें और थोड़े से गीले हों तो उन्हें मॉइस्चराइज़ कर लें, तो ज़ाहिर है अगर आप हाथों का मॉइस्चराइज़ रखेंगे तो उनकी अपेयरेंस में ऑब्वियसली डिफरेंस आता है. बाकी नेल्स के ऊपर तो ये बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता. मतलब इससे नेल्स के तो स्ट्रॉन्ग होने का मुझे कोई समझ में नहीं आया था. इसके अंदर इन्होंने थोड़ा कैरेटिन का भी लिखा हुआ है, बट आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ है. मतलब अच्छा मॉइस्चराइज़र है, अच्छा लोशन है, बेसिक सा है, तो आपको मिल भी अफोर्डेबल रेंज में जाता है, तो उस लिहाज से ठीक है. लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम ये नहीं करता. बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें. थैंक यू सो मच.